जय माता दी। कैसे मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परिरिष्ट ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, सिंह राशि के लोगों के लिए अप्रैल माह बड़ी खुशियां लेकर आया है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक बहुत सारी रुकावटें देखी हैं, वह सभी रुकावटें हटने वाली हैं। सिंह राशि के माह अप्रैल बहुत अच्छा रहने वाला है दोस्तों, इसलिए आप इस राशिफल को अवश्य सुने। तो शुरू करते हैं बगैर किसी विलंब के इस माह का राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए माह अच्छा रहने वाला है। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। इसके साथ ही आपकी रुचि सामाजिक कार्यों में बढ़ सकती है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए कैरियर की बात करें तो इस माह आपके कैरियर में नया मोड़ आता हुआ दिखाई देगा, जिस कारण से बहुत सारी ऊंचाइयों पर आप जाते हुए दिखाई देंगे। जो जातक नए अवसरों की तलाश कर रहे थे, उनकी तलाश खत्म हो गई है तथा अच्छे अच्छे अवसर उनके सामने आते हुए दिखाई देंगे। उनकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। समय आपका साथ दे रहा है। इसके साथ ही आपका प्रदर्शन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिस कारण से आपके अंदर कार्य करने की क्षमता अत्यधिक बढ़ जाएगी और लोगों के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ जाएगा। इसके लिए आप अपने कार्य क्षेत्र को गंभीरता से अवश्य लेना होगा। जो जातक व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार में मनचाहा लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही जातक जो नए व्यापार में हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही उत्तम आया है। परंतु नए व्यापार में निवेश करने से पहले आप उसके बारे में जुड़ी सारी जानकारियों को जुटा लें, जिससे कि आपको कोई भी आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। इसके साथ ही साथ आप आर्थिक के संबंध में जो सलाहकार लोग होते हैं, उनसे अवश्य ही सलाह कर लें कि किस प्रकार से आपको नए कार्य में आपको धन अर्जित करने में ये नया बिजनेस या नया व्यापार आपको किस तरीके से लाभकारी होगा। किसी को धन दिया है यदि आपने, तो इस समय आपका धन वापस मिलने की पूरी पूरी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको सलाहकार, जो आर्थिक सलाहकार होते, उनकी सलाह पर ही कार्य करें, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, इसके साथ ही आपको भौतिक सुखों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर कहें तो आपका भाग्य उदय इस समय 90% पर रहने वाला है, जिस कारण आप किसी भी कार्य को करेंगे तो वो सफलता की ऊंचाइयों पर जाएगा और आपको अच्छे अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। बात आपके प्रेम प्रसंग की करें और परिवार की करें तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। आप इस समय बहुत रसूखदार व्यक्ति के रूप में रहेंगे और साथ ही साथ रसूखदार लोगों के संपर्क में भी आएंगे। इससे आपके नए रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी और परिवार में आपकी बात का मान बढ़ जाएगा। दोस्तों, परिवार की बात करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस समय आपके लिए सब कुछ ठीक रहने वाला है। तनाव ना के बराबर रहेगा और आप अपने मन चाहा परिवार को अपने हिसाब से कार्यान्वित कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षा की बात करें तो जो जातक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में लगे हैं, उनको नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य में प्रगति दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, जिनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं पिछले माह मार्च में रह गई हैं और अगर अप्रैल में होती हैं तो उनके मन मुताबिक उनका परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। परंतु इसके लिए परिश्रम अवश्य ही करना होगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप परिश्रम ना करें और परिणाम के प्रति सोचते रहें। तो दोस्तों, थोड़ी तो परिश्रम करना पड़ेगा, भाग्य आपके साथ पूरा साथ देगा। तो प्यारे मित्रों, सिंह राशि के जातकों को इस माह अपने सेहत के प्रति भी अवश्य ध्यान देना होगा और खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जब उत्साह बढ़ता है तो उसमें कुछ एक चीज़ें हम इग्नोर कर जाते हैं, जैसे कि खान पान और अपनी सेहत। तो दोस्तों, खान पान पर विशेष ध्यान दें और अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें। बाहर का मसालेदार खाने से बचें तो आपके लिए अधिक अच्छा उत्तम रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये था आपका अप्रैल माह 2020 में कैसा रहेगा सिंह राशि के बारे में जानकारी। प्यारे मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।